परदेसी जाना नहीं परदेसी। अरे सर जी नमस्ते नमस्ते, बताइए आपकी कैसे सेवा करूं? भैया जी, हाँ जी, मुझे ना अपने बाल खड़े करवाने हैं। बाल खड़े अभी कर देता हूँ। और सुनो, हाँ जी, ऐसे वैसे बाल नहीं खड़े करवाने, बिल्कुल कड़क खड़े करवाने हैं। कड़क खड़े, ठीक है सर जी अभी कर देता हूँ, आइए बैठिए भैया, अभी कर देता हूँ आपके बाल कड़क खड़े। मेरे तो लग गए। क्या कर रहे हो भैया? सर हो गए आपके बाल खड़े। ओ सॉरी, मेरा मतलब कड़क खड़े। अब आपकी गर्दन अगले 20 मिनट तक बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, बिल्कुल नहीं हिलना, ठीक है? ठीक है भैया, मैं बिल्कुल सीधे रहूंगा, आप टेंशन मत लो। बहुत बढ़िया। और बताओ भैया, आपका काम वगैरह सब कैसा चल रहा है? बस भैया, ऊपर वाले की दया से सब बढ़िया चल रहा है। अब तो सैलून में लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी आने लग गई। लड़कियां? कहां लड़कियां? गर्दन टेढ़ी कर दी, कैसे चमका रेड कर जरा फड़फड़ाए जा रहे हो? बोला ना गर्दन सीधी। ओए मां, सॉरी भैया। वैसे भैया, सलून में लड़कियां आने की कोई पर्टिकुलर टाइमिंग है क्या? शर्म नहीं आती, दो बार बोल चुका गर्दन सीधी, लेकिन नहीं, फिर गर्दन टेढ़ी कर रहे हो। लगता है आप ऐसे नहीं मानोगे, रुको अभी। अब मत हिलना, पहले तो पीछे से चांटा आता था, अगली बार सामने से आएगा, समझे? सॉरी भैया, नहीं लूंगा। गुड बाय। अरे भैया ये क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पे बाल कटवाने आया हूँ, ना कि कपड़े सिलवाने। हटाओ ये इंच टेप। अरे भैया, बड़े बड़े सैलून में ऐसी इंच टेप यूज होती है ताकि बारीकी से काम हो पाए, पता है ना? थोड़ी सी ऊंच नीच हुई तो सीधा गर्दन कट जाती है। नहीं भैया ऐसे मत बोलो, आपको जो भी यूज करना है, आरी छुरा हथौड़ी इंच टेप सब यूज करो, बस मेरी गर्दन सही सलामत रखना। ये हुई ना बात, चलो। मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अरे सर जी कलम बना रहा हूँ, बड़े बड़े सैलून में ऐसी कलम बनाई जाती है। पहले कलम को थप्पड़ मार के गर्म किया जाता है, फिर एक नजाकत से, एक अदा से कलम बनाई जाती है। अरे भैया तो थोड़ा आराम से थप्पड़ मारो ना, मेरा मतलब आराम से कलम बनाओ ना, दर्द होता है यार। चलो कोई नहीं, आराम से बनाता हूँ, आप बस गर्दन सीधी रखना। अरे ये 10 का नोट किसका गिरा है? मेरा। फिर गर्दन घुमा ली, सुनते ही नहीं हो। भैया। हाँ भैया। वो मुझे बाल और दाढ़ी कटवानी है। हाँ बैठो कर दे। बैठो। अबे ओ पागल है क्या, क्या कर रहा है? सॉरी भैया, वो कहे ना टीवी पे हमारी कैटरीना की पिक्चर आ रही है, वहाँ कैटरीना ढमके मारती है, हमारे दिल में घंटी बज जाती है, एकदम फोकस हिल जाता है। सॉरी, आप बैठो ऊपर बैठो। आप अपना नाटक बंद कर और जो करना है जल्दी कर। जी भैया। ओए क्या कर रहा है? कपड़ा ढूंढ रहा है भैया, कपड़ा। ए छोटू कपड़ा दे। मेरी जान लेगा क्या? सॉरी भैया सॉरी, गलती से हो गया, ये मैंने नहीं करा, ये शीला की जवानी ने करा है। सॉरी भैया सॉरी। शीला की जवानी। बस बहुत हो गया, तेरी शीला की जवानी तो मैं निकालता हूँ। यार बिट्टू यार, इस कैची में ना वो धार नहीं है, जो धार मेरी बीवी की जुबान में है। अरे सर आइए बैठिए, सर बैठिए। सॉरी सर, बताइए सर क्या सेवा करूं आपकी? भैया एक अच्छी सी मसाज कर दो, ऐसी मसाज करो मजा ही आ जाए। अरे सर जी आप चिंता मत करो, मैं आपकी करूँगा चटक आवाज वाली मसाज। चटैक वाली आवाज? ये कैसी आवाज होती है? अरे भैया ये जो चटैक वाली मसाज है ना, ये बहुत ही स्पेशल होती है। इसके अंदर शरीर की दो हड्डियाँ एक दूसरे की बाहों में बाहें डालती हैं और फिर करीब आती हैं, और फिर क्या, दोनों एक दूसरे को गीली पुच्छी कर देती हैं, फिर उनमें से आती है चटैक की आवाज। अभी ये क्या कर रहा है, मसाज करना चुपचाप? जी भैया।
रेडी गर्दन टेढ़ी, चलो मसाज शुरू। अबे क्या कर रहे तू? अरे भैया मसाज है, एंजॉय करो, आप एंजॉय करो बस। अबे दर्द मिटा रहे कि बढ़ा रहे? बस बंद कर दे, अब हो गई मसाज। ना ना सर जी, जब तक चटाक की आवाज नहीं आ जाएगी तब तक तो करना ही पड़ेगा। भाई मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं करवानी कोई मसाज, बचाओ कोई मुझे। अरे भैया थोड़ा तो सबर रखो यार, है वो चिल पिल, अभी आ जाएगी चटाक की आवाज। क्यों भैया जी, आ गई ना चटाक की आवाज, बताओ कैसा लग रहा है? अबे चटाक के बच्चे, इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती है, तूने मेरी तोड़ तोड़ के 1,00,000 कर दी। ओए पापा जी। तेरी तो भैया उस तरह लगा दो। किस तरह भैया? उस तरह भैया, उस तरह लगा दो। भैया मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ, किस तरह किस तरह? अरे भैया ब्लेड वाला उस तरह। भैया क्या ब्लेड वाला, किस तरह? समझ गया, सब समझ गया, ब्लेड वाला उस तरह भी लगा दूंगा भैया। भैया वो मैच आ रहा होगा ना? अरे भैया मैच तो कब का खत्म हो गया, धोनी ने जिता दिया। कोहली ने जीता है? धोनी ने जीता है, हमारे धोनी भाई को ना कम मत समझो, पता कितने कप जीते हैं? हाँ तो हमारे कोहली भाई भी कम नहीं है, 71 सेंचुरी मारी उसने। बात तो सही है, कोहली में दम तो है। अबे ओ तू किसकी साइड है? तुझे पता है हमारे धोनी भाई जब स्टंपिंग करने विकेट के पीछे खड़े होते हैं ऐसा लगता है जैसे कि शेर खड़ा है झाड़ियों के पीछे शिकार करने को। अरे कम समझता है क्या धोनी भाई को? बात तो सही है, हमारे धोनी भाई है गजब। अबे ओ हमारे कोहली भाई भी कम नहीं है, जब वो फील्ड में आते हैं ना बैटिंग करने के लिए लड़कियां दुल्हन बन के भागती है उनके पीछे। अबे ओ अगर धोनी ने हेलीकॉप्टर शॉट मार दिया ना तेरा पूरा खंडाल उड़ जाएगा। अबे चल वे, विराट कोहली जिंदाबाद, धोनी भैया जिंदाबाद, विराट कोहली जिंदाबाद। भैया आपको कसम है, ईमानदारी से बताओ, दिल पे हाथ रख के, नो क्रंची नो रेड क्रॉस, धोनी अच्छा है कोहली? देखो भैया हाँ? नो क्रंची नो रेड क्रॉस। सुनियो धोनी और कोहली में ना, हाँ, सुन कोहली ज्यादा बढ़िया है। क्या बोला? देखा मैंने बोला था ना कोहली ज्यादा अच्छा है। रुको मैं इन भैया से भी पूछ लेता हूँ। भैया आप ईमानदारी से बताओ कोहली अच्छा है धोनी? भैया दिल पे हाथ रख के बताऊं तो धोनी अच्छा है। क्या बोला? सही बोला। बॉस इस महीने तो कुछ कमाई नहीं हुई। अरे तू दिक्कत क्यों ले रहा है, बस एक कस्टमर आ जान दे फिर देख तेरा भाई कैसे कमाई करेगा। अरे रणबीर कपूर छोटू कैमरा निकाल, चाय दे, रणबीर कपूर खुद हमारी दुकान में चल के आए हैं। अरे भैया क्या बोले जा रहे हो, मैं कहां रणबीर कपूर। अरे ऐसे कैसे भैया, आप रणबीर कपूर तो पूरे लग रहे हो। एक मिनट, माथे पे हल्की सी टैनिंग आ गई ना, ये दिक्कत दे रही है। आप एक काम करो डी टैन करवा लो 5,000 वाला, लेकिन उससे होगा क्या, लड़कियां आपके आगे पीछे ना गिरने लग जाएंगी, मतलब आप जहां चले लड़की बेहोश, चले बेहोश। ले रणबीर भैया दुराटे काटे ओम फो, आओ मैं आपका 5,000 ना डी टैन कर देता हूँ। 5,000? अरे भैया आप 5,000 की सोच रहे हो, एक बात जरा थोड़ी दूर की सोचो, आप कॉलेज के बाहर खड़े हुए और लड़कियां आपके पीछे दाएं बाएं भागी चली आ रही हैं। ठीक है कर दो, लेकिन अगर लड़की नहीं पटी तो? अरे भैया पटेगी, कैसे नहीं पटेगी, मैं तो कहता हूँ आप ना डी टैन होने के बाद अपनी फोटो खींच के इंटरनेट पर डाल देना आलिया भट्ट को टैग करके, फिर देखो आलिया भट्ट खुद आएगी डोड़ी आपसे शादी करने। आलिया भट्ट करो अब डी टैन करो फटाफट, ये हुई ना बात। छोटू डी टैन का डब्बा निकाल। लो जी डी टैन के बाल, हमारा रणबीर कपूर तैयार। ओए हो भैया ये बालों को क्या हो गया? ओए माँ शक्ल से आप रणबीर कपूर, बालों से मलिंगा। भाभी जी जब अपने सुंदर कोमल हाथ आपके बालों में डालेंगी तो वो तो फंस जाएंगे हाथ। मैं तो कहता हूँ अपना हेयर स्पा करवा लो। हेयर स्पा वो कितने का भैया? अपना ये हेयर स्पा होगा नाना करते हुए मुश्किल से 7,000। 7,000? अरे क्या 7,000, कोई बड़ी चीज है क्या 7,000? अब जब आप डी टैन करवा के रणबीर कपूर शक्ल से तो बन गए लेकिन बालों से तो मलिंगा ही हो, इतनी अच्छी बात नहीं है भैया। और वैसे भी आप ना सेल्फिश हो रहे हो, आप अपने बारे में सोच रहे हो लेकिन वो आलिया भट्ट उसके कोमल हाथ उसके बारे में भी तो सोचो भैया। कर दे भाई कर दे, आलिया भट्ट के लिए कुछ भी करूंगा। हाँ ये हुई ना बात। छोटू हेयर स्पा का डब्बा दे। रणबीर कपूर तैयार। भैया कसम से बता रहा हूँ
अगर मैं इस वक्त आलिया भट्ट होता ना, मैं आपकी गीली पप्पी ले लेता, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा भैया। अरे अरे थैंक यू भैया, अब मैं पेमेंट कर देता हूँ। पेमेंट कर दो, चलो चलो पेमेंट। भैया पक्का पड़ जाएगी ना लड़की? अरे भैया बिल्कुल पड़ जाएगी, हमने आपका सारा इंतजाम करके दे दिया है, बस आपको किसी भी कॉलेज के सामने जाके खड़े हो जाना, लड़कियां खुद दौड़ी दौड़ी आ जाएंगी। अच्छा ठीक है भैया, ये बता दो कितना हो गया? अरे मैं बताता हूँ ना, आपका जी टर्न हो गया 5,000, हेडस्पा हो गया 7,000, उसके बाद आपने हमारी कुर्सी यूज करी उसका 5.5 लाख, उसके बाद इन्होंने हमारी कैची यूज करी, कैची का कितना? 15 लाख। 15 लाख, और उसके बाद आपने हमारी यूज करी कंघी, कंघी का 17.5 लाख। ये अपना टैक्स टूस लगा के टोटल हो गया 2,06,24,000। लेकिन भैया ये तो हमारे स्पेशल कस्टमर है, इनको डिस्काउंट तो बनता है। हाँ हाँ भैया डिस्काउंट तो बनता ही है ना। चलो ठीक है, आपके लिए डिस्काउंट 24,000, ये आपका टोटल हो गया फिर डिस्काउंट के बाद 2,06,000। क्या 2,06,000? अरे लेकिन इतना बिल बन कैसे गया? अरे इतना कहा भैया, आपको लड़की भी तो पटवा दे रहे हैं, बल्कि मैं तो कहता हूँ सस्ते मिले पट गए। करो आप पेमेंट करो। ठीक है करता हूँ। JTM पर 2,06,000 प्राप्त हुए, कस्टमर लुट गया, धन्यवाद। अभी पेमेंट आ गई, थैंक यू भैया, अगली बार फिर आना ठीक है, सी यू। अरे भैया जी सच बता रहे हैं, एक बार बस आप रिटर्न करवा लो, उसके बाद तो सलमान खान लगोगे, लड़के आगे पीछे दौड़ेगी। अबे वो सलमान खान के बच्चे, तूने कहा था लड़कियां पट जाएंगी, मैं लड़कियों के कॉलेज के बाहर गया, 3 लड़कियां भाई बोल के चली गई। क्या एक भी लड़की नहीं पटी? हाँ एक भी नहीं पटी, झूठ बोलता है ये, इसकी तो। हे गाइस, तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद लगी है तो इस वीडियो को करना लाइक शेयर, वीडियो का बेस्ट पार्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जिसने मेरा चैनल गुड्डू भैया अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो, लाल वाला बटन है दबा लो, एकदम फ्री है। और गाइस फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ अगली बार, तो तब तक के लिए बाय।